क्या आपको पता है शुड की प्लस आईएनजी फॉर्म और शुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जहां अक्सर लर्नर कंफ्यूज हो जाते हैं और कमेंट बॉक्स में पूछते हैं शुड की प्लस आईएनजी फॉर्म या शुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म में क्या फर्क है। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। इन दोनों टॉपिक्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो किसी काम का जारी रहना चाहिए, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क है जो आपको समझना होगा। तो आइए सबसे पहले देखें कि शुड की प्लस आईएनजी फॉर्म क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि शुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म क्या है। शुड की प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हमें तब करना है जब हमको कहना हो किसी इंसान को कोई काम करते रहना चाहिए, जैसे आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड कीप टेकिंग एक्सरसाइज, आपको दवा खाते रहना चाहिए। यू शुड कीप टेकिंग मेडिसिन, आपको यह काम करते रहना चाहिए। यू शुड कीप डूइंग दिस वर्क, आपको पैसा कमाते रहना चाहिए। यू शुड कीप अर्निंग मनी, आपको यहाँ आते रहना चाहिए। यू शुड कीप कमिंग हेयर, आपको इंग्लिश सीखते रहना चाहिए। यू शुड कीप लर्निंग इंग्लिश। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स देखा जहाँ मैंने बताया किसी इंसान को कोई काम करते रहना चाहिए, यानी हमेशा हमेशा के लिए उस काम को जारी रखना चाहिए या उस काम को बरकरार रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला कंसेप्ट समझा कि जब आप किसी को राय दें यानी सुझाव दें और कहें कि आपको ये काम हमेशा करते रहना चाहिए तो वहाँ आप कहेंगे शुड कीप प्लस आईएनजी फॉर्म। आइए देखें कि शुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म क्या है। शुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म का मीनिंग होता है कर रहा होना चाहिए, और जब इस टॉपिक का हम इस्तेमाल करते हैं तो बातों से पता चलता है कि कोई काम अभी या इस वक्त कर रहा होना चाहिए, यानी इस टॉपिक से ये बात जाहिर नहीं होता कि ये काम आपको हमेशा हमेशा करना चाहिए, नहीं, बल्कि इस टॉपिक से आप ये सीखते हैं कि इस खास सिचुएशन में या इस मौके पर आपको ये काम कर रहा होना चाहिए। लगता है आप समझे नहीं, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपको ये काम कर रहा होना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड बी डूइंग दिस वर्क, आपको इस वक्त नाश्ता पका रहा होना चाहिए। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड बी कुकिंग फूड नाउ, यानी आपको अभी नाश्ता पका रहा होना चाहिए। फ्रेंड्स इस सेंटेंस से ये पता नहीं चलता कि आपको ये काम बराबर जारी रखना चाहिए, बल्कि इस सेंटेंस से ये पता चला कि अभी या इस मौके पर आपको ये काम कर रहा होना चाहिए, जैसा कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं। आपको अभी होमवर्क कर रहा होना चाहिए, यानी बातों से पता चला कोई इंसान आपको कहता है कि इस वक्त आपको ये काम कर रहा होना चाहिए, जैसा कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड बी डूइंग होमवर्क नाउ, यानी आपको होमवर्क कर रहा होना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस से पता चलता है कि कोई इंसान किसी काम को नहीं कर रहा है, इसलिए कोई दूसरा आदमी उसको सजेस्ट कर रहा है कि आपको ये काम कर रहा होना चाहिए, यानी अभी इस वक्त आपको ये काम कर रहा होना चाहिए। आपको एक्सरसाइज कर रहा होना चाहिए, यू शुड बी टेकिंग एक्सरसाइज, यानी आपको एक्सरसाइज कर रहा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छा से सीखा कि शुड की प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब आपको कहना हो कि किसी इंसान को कोई काम करते रहना चाहिए या बराबर जारी रखना चाहिए, हमेशा उस काम पर बरकरार रहना चाहिए। शुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म का मीनिंग होता है कर रहा होना चाहिए, और जब इस टॉपिक का हम इस्तेमाल करते हैं तो बातों से पता चलता है कि कोई काम अभी या इस वक्त कर रहा होना चाहिए, यानी इस टॉपिक से ये बात जाहिर नहीं होता कि ये काम आपको हमेशा हमेशा करना चाहिए, नहीं, बल्कि इस टॉपिक से आप ये सीखते हैं कि इस खास सिचुएशन में या इस मौके पर आपको ये काम कर रहा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।